नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। सत्यहिंदी.com वो मंच जहां हम सच को तलाशते हैं और पहुंचाते हैं आप तक, खबरों की परत दर परत बारीकियों को हल करते हुए। आप हमें देख सकते हैं YouTube पर, Facebook पर, हमें लाइक करिए, देखिए। आज का दिन बड़ा दिन, क्योंकि देश में मोदी सरकार 2 का पहला आम बजट देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बहुत सारी चीज़ें हैं बजट के बारे में बताने के लिए, लेकिन इस कैप्सूल में हम चर्चा करेंगे कि किसानों के लिए, गाँव के लिए और गरीबों के लिए ख़ास तौर पर इस बजट में क्या है। तो कृषि को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है संजय जी, जैसा कि ये प्लेट बता रहा है, गांव, गरीब और किसान। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसानों को उचित दाम दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार पहले भी कह चुकी है, सरकार ये कह चुकी है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करेंगे, और आमदनी दोगुनी करने के लिए जो सरकार की प्राथमिकता है कैसे पूरा करेंगे, इसका कोई रोड मैप आपने देखा इस बजट में? नहीं, बजट में निर्मला सीतारमण ने ये बात बड़ी अच्छी कही कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में रहती है, तो गाँव का डेवलपमेंट और गाँव के लिए काम किया जाना तो अच्छा है, लेकिन असल में उसका मुख्य कारण किसान ही है। किसानों की सुविधाएं और किसानों का ध्यान रखने के लिए गाँव का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, और गाँव के लिए इस बजट में अच्छी योजनाएँ हैं। हर घर में पानी का नल पहुँचाना, ये दावा है कि बिजली का कनेक्शन सब जगह पहुंचाया जा चुका है, सड़कें बन गई हैं, तो काफ़ी काम गांव में हुआ है और उसके लिए दावा भी किया गया है, तो वो सब तो अपनी जगह है ही है, लेकिन पूरे गांव का विकास किसानों का विकास ही होगा। असल में उसका लाभ किसान को ही मिलेगा जो गांव में रह गया है। अब गांव में ज़्यादातर वही हैं जो किसानी करते हैं, तो गाँव का विकास होगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि यह अच्छा रहा बजट में, ये अच्छी बात है। और साथ ही निर्मला जी ने ये भी कहा कि वाजिब मूल्य के लिए उत्पादों का मूल्य वर्धन करने की योजना है, फसलों का उचित दाम नहीं मिलने से हतोत्साहित जो किसान हो रहे हैं उनको हतोत्साहित नहीं होने दिया जाएगा, उनको जो फसलों की उचित कीमत है दिलाई जाएगी। और ख़ासतौर पर देखें कि पिछली बार भी कुछ सालों में सरकार ने ख़ासतौर पर MSP को लेकर अच्छी पहल की है और इसका फ़ायदा किसानों को हुआ है, लेकिन MSP अस्थायी उपाय है और काम चलाऊ है कि तुरंत अगर किसानों को कुछ लाभ चाहिए तो MSP बढ़ा दीजिए, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। असल में किसानों को जब तक उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा या ज़रूरत भर नहीं मिलेगा तब तक उनकी समस्या दूर होगी नहीं, और उस दिशा में काम होता कुछ दिख नहीं रहा है। जो कहा गया है उसका तुरंत प्रभाव होगा, कब प्रभाव होगा पता नहीं। वैल्यू एडिशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें वित्त मंत्री ने 1-2 आइटम ही गिनाए, जबकि आम है या गन्ना है या कोई भी चीज़ है, सबको अगर साल भर बेचा जा सके, साल भर रखा जा सके और किसान उसको तब बेचे जब उसकी मांग होती है तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी स्थिति यह कि किसान फसल खेत से काटता है और उसको रख नहीं सकता, इसलिए औने पौने दाम में बेचता है। ये बहुत अहम बात संजय जी आपने कही कि इस देश में भंडारण यानी वेयर हाउसिंग की समस्या बहुत जबरदस्त है, और जब तक वहां पर काम नहीं किया जाएगा तब तक दिक्कतें होंगी। हम हर साल ये दृश्य देखते हैं टेलीविजन चैनलों पर कि किस तरीके से आलू, टमाटर, यहाँ तक कि गेहूँ, चावल बर्बाद हो रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, तो इस देश में भंडारण की समस्या सबसे बड़ी ये है। सरकार खरीद लेती है तो सरकार के पास भी भंडारण की व्यवस्था नहीं, किसान के पास तो है ही नहीं। है ही है, और जो भंडारण है भी जिन क्षमता का, उनमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट इन लास्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पूरे भंडार में जो बोरी चावल की गेहूं की पहले डाली जाएगी वो सबसे अंत में निकलेगी, क्योंकि वो सबसे पीछे होगी, सबसे नीचे होगी, और जो सबसे लास्ट में डाली जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी, तो यानी जो बोरी पहले डाली गई वो सड़ जाती है तब तक। तो ये वास्तविक मूल्यवर्धन कैसे होगा? मूल्यवर्धन अच्छी चीज है, टेक्निकली थ्योरेटिकली सही है कि होना चाहिए, पर और साथ ही इस बजट में जो एक खास प्रस्ताव दिया गया है वो ये है कि ग्रामीण आवास योजना में गाँव में 1.95 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ घर बनाने की योजना है। बहुत बहुत बड़ी योजना है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और ये 1 साल की योजना नहीं है तो कई साल में पूरी होगी, देखते हैं। और जो सस्ते आवास बनाए जाएंगे छोटे छोटे 1-2 कमरे के, लेकिन अगर इसका आधा भी पूरा कर लिया जाता है तो समझिए कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बड़ा काम। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार
मकानों के प्रति कि सबको एक मकान हो इसके प्रति काफी गंभीर है। इसी वजह से रेंटल हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है शहरों में भी कि अगर आपके पास मकान नहीं है तो 5-6 हज़ार किराया देकर आप आराम से एक मकान ले सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक छत होगी। तो कुल मिलाकर गांव गरीब और किसान में हम ये भी देख रहे हैं, घर घर पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, हर गांव में इसकी चर्चा आप कर चुके हैं, बिजली सड़क आदि की व्यवस्था करने की भी योजना है। लेकिन एक अहम सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये सब संभव कैसे हो पाएगा, इसके लिए जरूरी जो पहल है वो कब शुरू होगी, पैसे कितने लगेंगे और कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा और काफी पैसे लगेंगे, बिल्कुल वो कहाँ से आएगा उसका कोई प्रावधान अभी नज़र नहीं आ रहा है। और पैसे तो सब सरकार रेलवे जैसी जरूरत बुनियादी ज़रूरत की चीज़ के लिए प्राइवेटाइजेशन की सोच रही है और इस तरह के काम तो सरकारी पैसे से होने हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सरकार की योजना हो, नियत हो, तो ज़रूर कर सकती है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार करेगी और ज़रूर करेगी, क्योंकि ये सरकार बहुत ही महत्वाकांक्षी है और महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गांव गरीब और किसान में ये भी है कि गांव का कायाकल्प करने की योजना पर हम चर्चा कर ही रहे थे कि क्या ये संभव है, आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि निर्मला जी ने आज जिस शेर से शुरुआत की, राजनीतिक इच्छा शक्ति इस देश में जिस चीज़ के लिए रही है वो हुआ, और जिसके लिए नहीं है वो नहीं होगा, लेकिन अगर जिसके लिए है वो सब हुआ है, उसके लिए हुआ है। तो आज का जो बजट निर्मला सीतारमन ने पेश किया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों और गांवों को लेकर बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने की बात की गई है। और अगर ये सब लागू हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विश्व के अग्रणी देशों में जल्दी ही शामिल होगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है, क्या ये सब जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें हो पाएगा, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें देखना पड़ेगा कि अगले बजट में पिछले बजट का कितना काम हो पाया और आगे की क्या योजना है। संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं satyahindi.com, जहां हम सत्य की तलाश करते हैं, वो मंच है, आप तक सत्य पहुंचाते हैं, खबरों की परत दर परत उघेरते हैं और जो सच अंदर छुपा होता है उससे आपको रूबरू कराते हैं। आप हमें फेसबुक यूट्यूब पर देखिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बढ़िया।